प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश में कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो गई है। हिमाचल में कोरोना के मामले 8000 को पार कर गए हैं और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में अब कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने माना कि प्रदेश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, इसलिए अब लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन व कम्युनिकेशन को अपनाने पर बल दिया है। जागरूकता से ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोकर स्वच्छता अपनाकर ही कोरोना से बचा जा सकता है। लोग अब पहले की तरह सावधानी नहीं बरत रहे हैं, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलर। जो नवीनतम स्थिति है, जो आज के आंकड़े हैं, उसमें जो टोटल कंफर्म केसेस है अब तक के, वो 8173 हैं और एक्टिव केसेस जो हैं वो 2473 हैं और रिपोर्टेड डेथ्स जो हैं वो 61 हैं। ये निश्चित तौर से चिंता का विषय है। नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और जैसा आपने कहा कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं है, तो ये कम्युनिटी स्प्रेड की प्रारंभिक अवस्था है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। रणनीति वही है जो हमने सत्र में भी कहा कि सरकार ने जो रणनीति प्रारंभ में इस चुनौती से निपटने के लिए जो अख्तियार की थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब चीज़ों का स्वयं जो है उन्होंने सब चीज़ों को अपने नियंत्रण में उन्होंने रखा था। प्रत्येक जिला केंद्र से प्रतिदिन कनेक्ट होकर के प्रत्येक जिला में जो है वो प्रबंधन ठीक रहे, तो ऐसा प्रयास जो है वो प्रारंभ से रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यद्यपि हिमाचल में केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा कुशल प्रबंधन रहा है कोविड को लेकर के, उसी का नतीजा है कि अनुपात, अगर हम रेशो की हम बात करें, अगर हम तुलना की बात करें अपने पड़ोसी राज्यों से, तो हिमाचल जो है वो बहुत बेहतरीन स्थिति में है। अगर डेथ रेट भी बढ़ रहा है तो लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से काम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? इसमें मुझे ये कहना है कि देखिए, अब एक तो होता है सरकार की तरफ से जो डायरेक्शंस जो है वो सरकारी जो दिशा निर्देश जो जारी होते हैं, काफी हद तक तो लोगों ने उन दिशा निर्देशों का पालन किया है, लेकिन अभी भी देखने में आता है कि कहीं कहीं, चाहे वो मार्केट की बात हो, चाहे वो अन्य और सार्वजनिक स्थानों की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का पालन जो है एक नियम के तौर पर नहीं हो पा रहा है। मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि अब ज़्यादा हमको जो फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, वो हमारी जो IEC एक्टिविटीज़ होती हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये तीन प्रकार की गतिविधियाँ जिनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को सावधान किया जाता है, अब ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। और मैं भी आज आप सभी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सब प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ हमको बचाएगी, बचाए रखने में अगर कोई चीज़ हमको कारगर साबित होगी, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग, ये दो चीज़ें जो हैं यही इलाज है इसका वर्तमान समय में। इसका जो है वो नियम के तौर पर पालन करें, और बाहर से जब भी घर आए तो आवश्यक रूप से जो है वो स्वच्छता के नियमों का पालन करते हुए सोप से, सैनिटाइजर से जो है अपने हाथों को जो है वो डिसइंफेक्ट करें, स्नान करें, कपड़ों को जो है फिर जैसे ही घर में आए तो तुरंत उनको सोप सॉल्यूशन में डुबो करके उनको भी डिसइंफेक्ट करें, और अगले दिन धो करके और साफ करके, प्रेस करके उसका जो है दोबारा से हम उसको पहन पाएं। ये सावधानी अगर समाज में सामान्य व्यक्ति अगर रखेगा, तो मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो चढ़ता हुआ ग्राफ है कोरोना का हिमाचल प्रदेश में, कि ये ग्राफ जो है ये शनि शनि नीचे की ओर आना शुरू हो सकता है। तो इसमें आज मुझे लगता है कि लोगों के सहयोग की जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यकता जो है, ये वैज्ञानिक शोध और उसमें जो है उसकी आवश्यकता है। ऐसा कोई अगर शोध हुआ होगा, अभी तो मेरे पास कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि ऐसा कोई जो, देखिए मुझे ये लगता है कि हमको जो है वो संतुलन को बनाना होगा। गतिविधियाँ खुल भी गई हैं और सामान्य जनजीवन जो है वो हिमाचल में और पूरे देश में जो है वो शुरू हो चुका है, और केंद्र से भी निर्देश हैं कि अब ज़्यादा जो सख्ती जो है वो ना हो, बॉर्डर्स खोल दिए जाएं, ये सब बातें हैं। लेकिन आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, सामान्य जनजीवन ये ठीक प्रकार से चले, लेकिन उसके चलने के साथ साथ
ये जो मैंने जिन तीन नियमों की मैंने चर्चा की है उसका पालन जो है वो ठीक प्रकार से हो, बाकी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको जो जिस प्रकार से टेस्ट किया जा रहा है, तकरीबन 230,000 से ऊपर टेस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, तो वो उसी प्रकार से चलता रहेगा। और किसी को जरा सा भी कोई फ्लू का लक्षण हो, गला खराब हो, खांसी इत्यादि का अगर शिकायत हो तो तुरंत उसको टेस्ट करवाना जो है वो लाजमी है। तो ये अवेयरनेस जो है वो लोगों में भी चाहिए ताकि तुरंत ऐसे इन्फेक्ट होने वाले व्यक्ति के बारे में सरकार को भी पता चल सके, विभाग को पता चल सके और उसको फिर कायदे के अनुसार क्वारंटीन किया जा सके। देखिए, जहाँ तक कोरोना के विषय में हिमाचल की परिस्थिति है, मामले बढ़ रहे हैं और हर रोज़ हम देख रहे हैं कि मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और परिस्थिति यह है कि सभी राज्यों में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा रहा है, मैं उस सारी चीज़ में जाने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ। लेकिन हकीकत यह है, मुझे लगता है कि कोरोना क्लाइमेक्स की तरफ, अपने पीक की तरफ जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में मेरा आप सबके माध्यम से भी, सभी प्रदेशवासियों से भी इस बात के लिए एक विशेष तौर से आग्रह है, निवेदन है कि और ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। शुरू के दौर में मामले कम आते थे, लोग बहुत सजग और सावधानी के साथ काम किए और उसका परिणाम अच्छा भी रहा है। लेकिन इन दिनों में हम देख रहे हैं कि धीरे 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 थोड़ी थोड़ी लापरवाहियाँ होते होते हम बहुत कैजुअल हो रहे हैं और इस सारे विषय को लेकर के जितना गंभीर होने की आवश्यकता, ऐसे खासतौर से जब संक्रमण बढ़ रहा है उस वक्त जो होने की ज़रूरत है उसमें थोड़ी मुझे लगता है कि और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, हिमाचल सरकार अभी भी हम कह सकते हैं कि कोरोना के मामले को हैंडल करने में काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। कठिनाई है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन फिर भी आने वाले समय में जो परिस्थितियां होंगी उनके लिए हमको तैयारी करने की ज़रूरत और ज़्यादा होगी। देखिए, मुझे इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि अलग अलग परिस्थितियों की बात होती है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 70 की बात है, अभी तक 70 जो है वो ठीक तरह से चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में मुझे लग रहा है कुल मिलाकर के अभी स्थिति जो है विधानसभा के अंदर हमारा जो जिस प्रकार से इसको सैनिटाइज करना, सैनिटाइज के साथ इसको पूरा खुला रखना और वेंटिलेटर की हमने यहाँ पर वेंटिलेशन की और ज़्यादा बेहतर सुविधा हमने यहाँ पर की है, एग्जॉस्ट फैन लगाए हैं इसमें एडिशनल एक्स्ट्रा, और उसके कारण मैं नहीं समझता हूँ कि अभी ऐसी बड़ी ज़्यादा कोई दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन फिर भी सावधान होने की आवश्यकता, चाहे विधानसभा के अंदर की बात है चाहे बाहर की बात है, सब जगह है। सर, प्रदेश महिला, देखिए जिस प्रकार से पिछले कल जो घटना हुई है, कंगना रनावत जो हिमाचल की बेटी है और उनके मुंबई स्थित कार्यालय को तोड़ा गया है बीएमसी के द्वारा, वहां पर शिवसेना की सरकार, कांग्रेस की सरकार की, तो स्वाभाविक रिएक्शन में तो होना ही था, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसका रिएक्शन पूरे देश भर में आप देख रहे हैं। अगर कहीं इस प्रकार की अभिव्यक्ति की है तो मैं उससे तो सहमत नहीं हूं कि हमको प्रियंका गांधी का मकान तोड़ना चाहिए, ये तो बात उचित नहीं लगती है, क्योंकि वो हिमाचल में यहाँ घर बना करके रहें, ये हमारी जिम्मेवारी है उनकी सुरक्षा की। लेकिन उसके साथ साथ में उन्हें मुझे लगता है कि भावावेश में अपनी बात रिएक्शन के रूप में बात कही है, इस प्रकार की बात उन्हें व्यक्तिगत रूप से कही होगी, ये ना तो सरकार के स्तर पर ना ही संगठन के स्तर पर ये की जा सकती। लेकिन मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों में उस तरह से जाने की आवश्यकता नहीं है, सब इस चीज़ों को इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे उसका कोई लाभ नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि फिलहाल कंगना रनावत जी के साथ जिस तरह का सलूक, जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो निंदनीय है, उसकी हम निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और उनको बहुत सारे मामलों में उलझाने की साजिश के तहत फंसाने की जो सरकार की उस प्रकार की योजना है ताकि वो उसके लिए SOP हमने जारी कर दी है और SOP के तहत जो है मुझे लगता है कि वो लंबी डिटेल है, वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन हमारी इच्छा और लोगों की इच्छा थी कि मंदिर अब धीरे धीरे खोले जाए, उस दृष्टि से एक शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़कर के एक सार्थक दिशा में बनेगी। थैंक यू।